हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नई सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको रीसेंट वीडियो में स्मार्ट मैनेजर के एक ऑप्शन के बारे में बताया था, आज मैं आपको मज़ीद उसके जो दो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में डीपली बताऊँगा। आप देख सकते हैं स्मार्ट मैनेजर, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास तीन इन्फॉर्मेशन आती है, बैटरी है, स्टोरेज है, रैम है। बैटरी के बारे में मैं तकरीबन हर चीज़ आपको ब्रीफ़ कर चुका हूँ, कैसे आप बैटरी की कंजप्शन को कम कर सकते हैं, लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन आपको सेवर मोड पर डाल सकते हैं, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड क्या होता है, पावर सेविंग मोड क्या होता है, कैसे इनेबल, सब आप मेरे चैनल पर वो वीडियो हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको स्टोरेज और रैम के बारे में बताऊँगा। सब आप स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास और इसको हम कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, और फाइल्स को यानी कि MBs हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, मोबाइल की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। कैशे जो होती है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, उससे कितनी हम स्टोरेज गेन कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये स्टोरेज को स्कैन कर रहा है ऑल ओवर फ़ोन, कितना ही टोटल है और क्या है, सब रिज़ल्ट आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल अननेसेसरी डाटा जो है 305 MB का है, सिस्टम और यूज़र डाटा जो है 30.5 GB, और हमारे पास फ्री जो है वो 1.5 GB है, और इसकी डिटेल भी हम यहाँ से जान सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डिटेल हम जान सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यूज्ड आउट ऑफ 32 GB में से जो है ना हमारा 30.54 GB ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, जबकि आप देख सकते हैं टोटल स्पेस हमारे पास 32 GB है, अवेलेबल 1.4 GB है। सिस्टम मेमोरी क्या होता है, मोबाइल की जो अपनी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड चलाने के लिए जो इसकी मेमोरी होती है वो कंज्यूम होती है, वो 7.4 जो कि इसने ऑलरेडी टोटल इंटरनल मेमोरी में से जो है ली हुई है। और दूसरा आप देख सकते हैं यूज स्पेस्ड 17.61 GB, और अदर में देख सकते हैं 5 GB। ये कैशे डाटा आप देख सकते हैं 663। तो अभी देखें आप यूज़ में आप क्लिक करके आप इसकी मोर डिटेल देख सकते हैं, एप्लीकेशन में कितना यूज़ किया हुआ आपने, पिक्चर्स और वीडियोस और ऑडियो में कितना है ये देख सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए हमारे पास जो है 11 GB है, पिक्चर्स वीडियोस के लिए 5 GB है, और ऑडियोज़ के लिए 730 MB है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी फाइल्स आपके सिस्टम में जो है अननेसेसरी हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। बैक चलेंगे और आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं हमारे पास कैशे डाटा आप देख सकते हैं 636 MB, यानी कि 0.5 GB से भी ज़्यादा डाटा, यानी कि हम इसको डिलीट करके फौरन 0.5 GB जो है वो फौरन गेन कर सकते हैं, यानी कि टोटल स्पेस हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि सॉरी अवेलेबल स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी 1.5 से 2 GB हो जाएगी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो ये तमाम जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उन सब का जो कैश होता है, जो सेव होता है, वो डिलीट हो जाएगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं इसको डिलीट करने के बाद हमारे पास अवेलेबल स्पेस जो है 2.1 होगी, जो कि 1.45 थी। ये एक वे है आप यहाँ से इजीली अपनी स्टोरेज जो है उसको गेन कर सकते हैं। और आपको दूसरी सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। बैक जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन दिया है अननेसेसरी डाटा जो है कैशे है, रेजिडुअल है, एडवर्टाइजमेंट फाइल्स जो है आप वो भी यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आप डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट करेंगे पूरा जितना भी आपके पास बैकअप पे जो अननेसेसरी फाइल्स हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से भी 299 MB हमने जो है सेव्ड कर लिया। अभी टोटल हमारे पास जो था 2.1 था, अब उससे भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और सेकंडली आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यूज़र डाटा डिटेल है हमारे पास जो है यूज़र डाटा डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आप जितने भी आपके मोबाइल में डाटा है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ऐप्स है और डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब पे जितने भी आपकी जो मेमोरी है कंज्यूम हुई हुई है वो आप जान सकते हैं, और इसकी डिटेल भी जान सकते हैं। आप वीडियोज़ में जाएंगे आप देख सकते हैं तमाम वीडियोज़ आ जाएंगे,
विद डिटेल आ जाएंगे, यानी कि कितनी MB की हैं और क्या नाम है सब कुछ। तो आप इसमें सर्च करके अननेसेसरी फाइल्स जो हैं आप वो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास टॉप पे राइट आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह आप अननेसेसरी फाइल्स को इजीली ट्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं। इमेजेस भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं, जो भी है आप देख सकते हैं। सबसे जो हाईएस्ट मेमोरी जो होती है जो वो सबसे टॉप पे आती है, इसे आपको आइडिया होगा कि आप उसको डिलीट करके आप ज़्यादा मेमोरी गेन कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट स्टोरेज के बाद, अब स्टोरेज की जितनी भी तमाम सेटिंग्स आपको बता चुका हूँ, अब नेक्स्ट आपको लेके जाऊँगा रैम की तरफ। रैम में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। टोटल रैम आप देख सकते हैं हमारे पास 4 GB है, इंक्लूडेड 431 MB रिजर्व, यानी कि जो सिस्टम को चलाने के लिए जो 431 MB जो होती है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। और आप देख सकते हैं करंटली हमारे पास जो है 3.1 GB जो है सिस्टम एंड ऐप्स ने यूज़ किए फ्री, हमारे पास जो है वो 5.8 MB फ्री है। इसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली 500 MB जो है फ्री है तो हमारा मोबाइल स्लो हो सकता है, और इसको हम कैसे कर सकते हैं फास्ट? आप देख सकते हैं हमारे पास सेटिंग है, क्रोम है जो कि करंटली ओपन है 25 MB सेटिंग्स की तरफ से है, क्रोम की तरफ से 18 पॉइंट है, और मोर इसमें जो अदर्स आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है अदर, अदर पे क्लिक करेंगे जो मज़ीद जो हमारे एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने हमारे रैम को रैम पर लोड डाला हुआ है आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे कि मैं रैम IMO नहीं यूज़ कर रहा, मैं इसको यहाँ से एंड करूँगा तो ये हमारे प्रोसेसर से जो है ना, इसका रैम से और प्रोसेसर से इसका बोझ हट जाएगा। इसको जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एंड पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा, और आप देख सकेंगे थोड़ी देर में आपका जो है फ्री जो रैम है वो बढ़ जाएगी। हम इनमें से मज़ीद जो है एंड करेंगे एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं एंड किया मैंने, फेसबुक को भी एंड करेंगे हम, यहाँ से काफ़ी एप्लीकेशन को हम एंड कर सकते हैं जो कि अननेसेसरी बैक हैंड पर चल रही होती हैं, बैकग्राउंड पर चल रही होती हैं। आप उनको एंड करके आप जो है क्या कहते हैं फ्री जो अपनी रैम को फ्री कर सकते हैं, और आपका मोबाइल जो है फास्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं क्रोम को यहाँ से एंड करूँगा, आप देख सकते हैं 599 हो गया, जो कि 500 था अभी 600 हमारे पास फ्री हो गया। आप इसी तरह जो है तमाम अननेसेसरी फाइल्स जो रन हो रही होती हैं बैक हैंड पे आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अब देखें इस आप ये दो फाइल क्रोम एंड सेटिंग को भी एंड कर सकते हैं यहाँ से, ये मेरे भी काम के लिए ज़रूरी है इस वजह से मैं इनको एंड नहीं कर रहा, कुछ फाइल्स चल रही हैं। आप देखें टोटल हमारे पास फ्री इंक्रीज़ हो गया। आप इसी तरह तमाम एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं जो आप डेली बेसिस पर नहीं यूज़ करते, आप उनको क्लोज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये एक बहुत ही अच्छा वे है, आप अपने मोबाइल की स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं, मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई रिसेंट जैसे कोई न्यूली वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सेम टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप मज़ीद मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ़ यू।